गाइस hey व्हाट्सअप कैसे हैं आप लोग चलिए एस एस सेवन फाइव को जो है जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं एस एस सात सौ कैसे डील करता है मॉडिफिकेशन टू द ओपिनियन इन आई ए आर दैट इज इंडिपेंडेंट ऑडिटर्स रिपोर्ट ये बातें आपको बचपन में पढ़ा दी गई थी देखिए मॉडिफिकेशन जो है वो चार तरह का हो सकता है क्वालिफाइड क्वालिफाइड एडवर्स डिस्क्लेमर पहली बात करते हैं हम लोग जब ऑडिटर सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन कर लेता है यानी वो कंक्लूड कर देता है कि देखो जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट फ्री फ्रॉम मटेरियल मिस स्टेटमेंट तो ऑडिटर जो है या तो क्वालिफाइड देगा या एडवर्स देगा क्वालिफाइड जब देता है तो आप लोगों ने ध्यान रखना है कि वहां पर क्या होता है कि मटेरियल मिस स्टेटमेंट है लेकिन परवेजिव नहीं है एडवर्स जब देता है तो मेडल स्टेटमेंट है और वो परवेजिव है परवेजिव क्या होता है हम लोग पहले ही जो है बेसिक वाले चैप्टर के रिवीजन में समझ चुके हैं फिर भी मैं आप लोगों को एक बार बता देता हूं देखिए जनरली स्पीकिंग हम लोग बोलते हैं कि अगर एक सिंगल आइटम तक कोई चीज़ कन्फाइंड है तो प्रवेजिव नहीं है लेकिन सिंगल आइटम तक कन्फाइंड चीज़ भी परवेजिव हो सकती है अगर वो सबस्टांशल प्रपोशन कवर करती हो आपकी बैलेंस शीट का आपकी पचास करोड़ की जो है बैलेंस शीट है जिसमें चालीस करोड़ की जो है इन्वेंट्री अब इन्वेंट्री एक सिंगल आइटम है लेकिन इन्वेंट्री जो है यहाँ पे आपके लिए परवेजिव इंपैक्ट रख सकती है इन्वेंट्री में होने वाली मिस्टेटमेंट जो है आपके लिए प्रवेजिव इंपैक्ट रख सकती है

ऑटर कॉन्क्लूड जब बेसिकली मॉडिफिकेशन अप्रोप्रेटली करना वैन द ऑडिटर कॉन्क्लूड्स दट बेस्ड ऑन ऑडिट एवडेंस दट फाइनेंशियल स्टेटमेंट आर नॉट फ्री फ्रॉम स्टेटमेंट और दर इज अनेबल टू ऑपटे सफिश एंड एप्रोप्रेट ऑडिट एविडेंस टू कंक्लूड दट वेदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट अल आर फ्री फ्रॉम मटेरियम स्टेटमेंट लीजिए देन डिस्कलेमर ऑफ ओपिनियन की अगर बात करता हूं आप लोगों से तो डिस्कलेमर ऑफ ओपिनियन क्या होता है इसका एक स्पेशल केस भी है एक्सट्रीमली रेयर सर्कमस्टान्स जहां पर मटीरियल अनसर्टिनिटी है और आप लोगों को इंडिविजुअुअल अनसर्टिनटी के रिस्पेक्ट में सफिशियंट एप्रोप्रियट ऑडिट एविडेंस मिल चुका है लेकिन आप इनका जो पोटेंशियल इंटरेक्शन है इनका जो पोटेंशियल इंटरेक्शन है इनका जो पॉसिबल क्यूमुलेटिव इफेक्ट आ रहा है वो ऐसा है कि दैट इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर यू टू फॉर्म एन ओपिनियन ऑन दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तो उस केस में भी आप लोग जो है वो क्या देते हैं डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन जो है वो इशू करते हैं देन ये कुछ सर्कमस्टांस यहां पे बताए हैं कि कब आपको जो है क्वालिफाइड एडवर्स या फिर क्वालिफाइड डिस्क्लेमर देना है जब आप इन अप्रोप्रेट अकाउंटिंग पॉलिसी का केस पकड़ ल इनअप्रोप्रेट अकाउंटिंग पॉलिसी एप्लीकेशन का केस पकड़ लें या फिर आप लोग जो है इनअप्रोप्रेट और इन एडुकेट डिस्क्लोजर का केस पकड़ लें तो वहाँ पर आपका क्वालिफाइड या फिर आपका एडवर्स ओपिनियन जो है वो जाएगा लेकिन वेन यू आर नॉट एबल टू एंड सफिश ऑडिट एविडेंस बिकॉज ऑफ लिमिटेशन दिमिटेशन बाय मैनेजमेंट और बिकॉज ऑफ कंट्रोल ऑफ़ दोल एंटिटी और बिकॉज ऑफ दी सर्कमस्टांसिस रिलेटेड टू दी नेचर ऑफ ऑडिटर वर्क जैसे कि ऑडिटर को लेट अपॉइंट किया ऑडिटर को लेट अपॉइंट किया गया है ऑडिटर फिजिकल इन्वेंट्री का काउंट जो है वो अटेंड नहीं कर पाया है ये सारे एग्जाम्पल यहाँ पे आ जाएंगे सर्कमस्टांस में जैसे कि रिकॉर्ड्स डिस्ट्रॉय हो गए हैं राइट मैनेजमेंट इंपोज कर रही है रिस्ट्रिक्शन तो मैनेजमेंट जो है अगर बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक्सेस या कुछ और रिकॉर्ड से एक्सेस नहीं दे रही है तो वो आ जाएगा ये हमने क्लास में कवर भी किया था इस पर क्वेश्चन भी आया हुआ है आइए देन तो ये बात आप लोगों ने ध्यान रखनी है यहाँ पे कि ये वो सर्कमस्टांसिस है जिसमें मॉडिफिकेशन जो है वो करना पड़ सकता है पहले सर्कमस्टेंस कब है जब ऑडिट एविडेंस ऑप्टेंड है यानी कि क्वालिफाइड और एडवर्स डिस्क्लेमर जाने के दूसरे सर्कमस्टेंस बताए गए हैं वैन ऑडिट एविडेंस इज वैन ऑडिट एविडेंस इज नॉट ऑपटेन्ड राइट तो यहाँ पर आपका क्वालिफाइड और डिस्क्लेमर जाएगा देन अगर मैनेजमेंट आपके ऊपर लिमिटेशन लगाती है आपने ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट कर लिया है और ऑडिट एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद लिमिटेशन लगाती है प्लीज पहली बात इसको आप लोग कनेक्ट नहीं करेंगे ऐसे 210 से ऐसे 210 में एश्योरेंस का लेवल चेंज हो रहा था यहाँ पे आपके ऊपर लिमिटेशन लगाई जा रही है तो अगर एंगेजमेंट एक्सेप्ट करने के बाद मैनेजमेंट ने लिमिटेशन लगाई है और 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 ऑडिटर को लग रहा है कि भाई साहब या तो मुझे क्वालिफाइड डिस्क्लेमर ओपिनियन देना पड़ेगा तो उसे मैनेजमेंट से रिक्वेस्ट करनी चाहिए कि लिमिटेशन हटा दो मैनेजमेंट अगर रिमूव नहीं करती है तो दोस्त चाविद गवर्नेंस से बात करो ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर याद रखिएगा इसके बीच में एंड है एंड ऑल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर्स के बारे में सोचो क्या अल्टरनेटिव ऑडिट प्रोसीजर से मैं सफिशेंट अप्रोप्रेट ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन कर पाऊंगा अगर ऑडिटर सफिशेंट अप्रोप्रेट ऑडिट एविडेंस नहीं ऑप्टेन कर पा रहा है ऑल्टरनेटिव प्रोसीजर से और ऑडिटर ये कंक्लूड करता है कि भाई साहब अब इस लिमिटेशन का जो इंपैक्ट होने वाला है वो ऐसा होगा जो मटेरियल होगा लेकिन परवेजिव नहीं होगा तो क्वालिफाई कर दीजिए लेकिन अगर मटेरियल एंड परवेजिव दोनों होने वाला है मटेरियल एंड परवेजिव दोनों होने वाला है और क्वालिफिकेशन से जो है वो हम सिचुएशन की ग्रेविटी को कॉम्युनिकेट नहीं कर पाएंगे तो उस केस में ए विद्रॉ करें और अगर विड्रॉवल पॉसिबल नहीं है तो आप लोगों ने क्या करा है डिस्क्लेमर ओपिनियन जो है वो इशू कर देना है राइट बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट भी बार बार क्वेश्चन जो है सी फाइनल में आया हुआ है आपकी जानकारी के लिए बता दूं सी ए फाइनल के ऑडिट के पॉइंट ऑफ व्यू से 701, 705, 706 जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कोई भी बालक या बालिका इसको बिल्कुल भी मिस करने के बारे में ना सोचे अच्छा जी अब हम लोग बात करते हैं कि फॉर्मेट में क्या चेंज आने वाला है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है इवन आपके सी ए फाइनल में आप लोगों को ओपिनियन का लैंग्वेज लिखने को भी जो है बार बार बोला जाएगा तो इसको आपने बहुत अच्छे से पढ़ना है सबसे पहले आपने अपनी हेडिंग्स जो थी ओपिनियन वाली हेडिंग थी उसको अपने क्वालिफाइड एडवर्स या डिस्क्लेमर हेडिंग में बदल देना है राइट right. और साथ में आप लोगों ने जो आपका बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन आता था उसको आपने चेंज कर देना है बेसिस फॉर क्वालिफाइड बेसिस फॉर एडवर्स बेसिस फॉर डिस्क्लेमर ओपिनियन जो है आपको उसमें से चूज करके जो भी आप ओपिनियन दे रहे हैं उसके हिसाब से आपने रख देना है राइट right. अब साथ साथ में ये जो आपका बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन था उसको आप बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन बनाएंगे और उसमें उस मैटर का डिस्क्रिप्शन देंगे जिस मैटर की वजह से जो है आप अपनी रिपोर्ट क्वालिफाई कर रहे हैं क्लास में काफी सारे एग्जांपल्स काफी सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिकल केसेस भी हमने यहाँ पे डिस्कस किए थे लीजिए अभी आपको ध्यान रखना है कि आप लोग लैंग्वेज क्या यूज करने वाले हैं देखिए अगर आप क्वालिफाइड ओपिनियन दे रहे हैं तो आपका जो बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन आने वाला है ध्यान से देखिएगा आपका जो बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन आने वाला है उसमें तो आप मैटर को डिस्क्राइब करेंगे लेकिन जो आपका ओपिनियन सेक्शन है उसमें आप लोग क्या करेंगे उसमें आप लिखेंगे एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट्स ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर ओपिनियन सेक्शन फिर डिपेंड करता है कि आप लोग कौन सा फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं अगर आप लोग फेयर प्रेजेंटेशन फ्रेमवर्क यूज कर रहे हैं तो आप लिखेंगे एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर क्वालिफाइड ओपिनियन सेक्शन फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रेजेंट्स फेयरली इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बेसिकली सारी की सारी चीजें जो है वो बिल्कुल फेयरली प्रेजेंट जो है वो कर रही हैं और ट्रू एंड फेयर व्यू दे रही है अकॉर्डिंग एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क राइट अगर कंप्लाइंस फ्रेमवर्क यूज़ कर रहे हैं तो आप सिंपली बोलेंगे कि येस except for the fact except for the matter described in the basis for qualified opinion financial statement comply with the applicable financial reporting framework okay लीजिए अच्छा जी Then आप लोगों ने क्या देखना है अगर आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाए हैं और उसकी वैसे से क्वालिफिकेशन कर रहे हैं तो एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट यहाँ पे देखिए लैंग्वेज में फर्क देखिए एक्सेप्ट फॉर द इफेक्ट एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट क्योंकि आप सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन नहीं कर पाए हैं तो आपको उसकी लैंग्वेज में लिखना है एक्सेप्ट फॉर द पॉसिबल इफेक्ट ये याद रखिएगा आपको ओपिनियन लिखने के क्वेश्चन आ सकते हैं एग्जाम में एडवर्स ओपिनियन की बात करते हैं एडवर्स ओपिनियन में आप लोग क्या लिखेंगे अपने ओपिनियन सेक्शन में बिकॉज ऑफ दी सिग्निफिकेंस ऑफ दी मैटर डिस्क्राइब इन द बेसिस फॉर एडवर्स ओपिनियन फाइनेंशियल स्टेटमेंट डू नॉट प्रेजेंट फेयरली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रेजेंटेड फेयरली इन अकॉर्डिंग्स विद द एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क कंप्लाइंस फ्रेमवर्क में आप लोग सिंपली क्या लिखेंगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आर नॉट प्रिपेयर्ड इन नॉर्मेटल रिस्पेक्ट एज पर एप्लीकेबल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग फ्रेमवर्क डिस्क्लेमर का केस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपको सबसे पहले तो ये लिखना पड़ेगा कि भाई ऑडिटर कोई ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है हां जी ऑडिटर कोई भी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है सबसे पहले जो है आपको ये लिखना पड़ेगा एक लाइन ये लिखनी पड़ेगी बिकॉज ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ़ इन बेसिस डिस्क्लोमर सेक्शन ऑडिटर सफिशिएंट ऑडिट एविडेंस ऑप्टेन नहीं कर पाया जिसपे अपने ओपिनियन को बेस करे, और साथ साथ में आपको ओपिनियन सेक्शन को मॉडिफाई करना पड़ेगा जहां पर लिखा होता था कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट है अब वो ना लिख के आपको क्या लिखना पड़ेगा दी फाइनेंशियल स्टेटमेंट इसकी समरी मैंने यहाँ पे क्या बनाई है ऑडिटर एक्सप्रेस ओपिनियन ऑडिटर अपना ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं कर रहा है मैटर जो है वो जो डिस्क्राइब्ड बेसिस और डिस्कलेमर ओपिनियन में वो सिग्निफिकेंट है उसकी वजह से मैं ओपिनियन सफिशेंट ऑडिट एविडेंस नहीं ले पाए हूँ जिसमें अपना ओपिनियन बेस करूँ और साथ में आपको जो है ओपिनियन सेक्शन में ये स्टेटमेंट चेंज करनी पड़ेगी दैट वी ऑडिटेड द फाइनेंशियल स्टेटमेंट से आपको करना पड़ेगा वी आर एंगेज टू ऑडिट द फाइनेंशियल स्टेटमेंट डन लीजिए एंड एक बात यहाँ पे और क्या ध्यान रखनी है आपने देखिए हम पहले भी पढ़ चुके हैं सेवन जीरो वन में आप लोग अगर डिस्क्लेमर दे रहे हैं तो आप लोग कैम नहीं देंगे क्यों अदरवाइज क्या होगा कैम अगर आप दे रहे हैं डिस्क्लेमर के साथ तो ऑडिट रिपोर्ट की क्रेडिबिलिटी जो है वो बढ़ जाएगी जो नहीं होनी चाहिए थी वो उसकी क्रेडिबिलिटी दिखनी शुरू हो जाएगी राइट एंड वुड बी इनकंसिस्टेंट विद द डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन लीजिए जब भी अपनी रिपोर्ट मॉडिफाई करना चाहते हैं आप लोगों ने क्या करना है आप लोगों ने कॉम्युनिकेट करना है टी सी डब्ल्यू जी से वो सर्कमस्टांसिस आपने कॉम्युनिकेट करने हैं आपके मॉडिफिकेशन की वर्डिंग क्या होगी वो भी आपने जो है वो कॉम्युनिकेट करना है लीजिए अब यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट है छुपा हुआ क्वेश्चन है कि ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन जो था डिस्क्लेमर के केस में वो क्या हो जाएगा ऑडिटर रिस्पॉन्सिबिलिटी सेक्शन जो था डिस्क्लेमर के केस में वो क्या हो जाएगा सबसे पहले तो आपका एक स्टेटमेंट आएगी कि भाई ऑडिटर रिस्पॉसिबिलिटी थी कंडक्ट करना ऑडिट का इन ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डिंग विद दिस स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड टू इशू दि रिपोर्ट फिर उसके बाद जो सेकंड स्टेटमेंट आएगी ये जान है इसकी और अगर ये क्वेश्चन पूछ लिया आपको बहुत सारे स्टूडेंट्स यहाँ पे जल्द इन मछली की तरह तड़पते हुए नजर आएंगे और मैं आपको बता दूँ कि ये आपके एस का पार्ट है ये इंटरमीडिएट में भी है राइट right? बट बच्चे छोड़ जाते हैं छोड़ जाते हैं और कहीं बच्चे देख नहीं पाते हैं इसको के हुआ क्या तो so, याद रखिए डिस्क्लेमर के केस में ऑडिटर रिस्पॉन्सिटी सेक्शन भी चेंज होगा पहली स्टेटमेंट तो वही आएगी कि भाई साहब देखो ऑडिटर का, का काम था टू तो कंडक्ट ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट इन अकॉर्डिंग विद स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग एंड इशू ऑडिटर्स रिपोर्ट और दूसरी स्टेटमेंट ये आएंगे बिकॉज ऑफ द मैटर डिस्क्राइब इन द डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन सेक्शन द ऑडिटर वॉज नॉट एबल टू एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस टू प्रोवाइड अ बेसिस फॉर एन ऑडिट ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट राइट और फिर आप एक स्टेटमेंट देंगे कि भाई अपनी इंडिपेंडेंस और एथिकल रिस्पॉन्सिबिलिटी वाले स्टेटमेंट जो है आप लोग देंगे उसका मैंने नीचे एक एग्जाम्पल भी लिख दिया आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं राइट इतना एस 705 सेवन जीरो फाइव आप पढ़ के चले जाइए मेरे हिसाब से बहुत है बाकी एक बार क्वेश्चन जो मैंने आपको क्लास में पढ़ाए थे वो जरूर पढ़िएगा आपने पास होना है लेकिन तभी पास होंगे जब आप लोग एफर्ट्स करेंगे एफर्ट्स में कभी मत छोड़िए एफ़र्ट्स आपके ऐसे होने चाहिए मैं आपको क्लास में बहुत मोटिवेट करता हूँ कि आप डेली राइटिंग प्रैक्टिस कीजिए कई बच्चे कई बच्चे करते हैं कॉम्युनिटी नाइनटी वन पर कई बच्चे नहीं करते हैं देखिए जो कर रहे हैं उनको ज़रूर इसका फल मिलेगा राइट और जो नहीं कर रहे हैं भाई प्लीज़ करना शुरू कर दो बहुत दिक्कत होगी ऑडिट का एग्ज़ाम कहते हैं वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है इन सी फाइनल लेकिन आप लोगों के लिए आसान बन सकता है अगर आप लोग अच्छे से मेहनत करके जाएंगे राइट चलिए ऑल द बेस्ट